वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं माउस को, जो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। हालांकि ये मैंने बहुत पहले ही मंगा लिया था, बट इसको दोबारा आपके लिए अनबॉक्स कर रहा हूँ और यूज़ करके देखा है मैंने, उसके बाद ही हम लोग रिव्यू दे रहे हैं। तो एक बार अनबॉक्स करते हैं इसको। तो माउस आया है, साथ में ये और आया पेपर। चलिए पीछे जब आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि नैनो रिसीवर है इनसाइड। देखते हैं खोल के, सेल नहीं आएगा इसके साथ। यहाँ पे नैनो रिसीवर लगा हुआ है, जिसको आप लैपटॉप में अपने लगाएंगे, ठीक है। ये आपको मिल गया नैनो रिसीवर, इसको लैपटॉप में लगाना है। ये मैंने यहाँ से निकाल लिया। चलिए इसको लैपटॉप में लगा देते हैं पहले। ये रहा लैपटॉप और इसके अंदर हम लोग नैनो रिसीवर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माउस के अंदर सेल डालने का काम करते हैं, तभी ये ऑन हो पाएगा, ठीक है। नॉर्मली जो घड़ी वाला सेल डालते हैं वही डालना है हमें। अच्छा, इसके अंदर ना एक और ख़ास बात है, राइट बटन है, लेफ्ट बटन है, एक स्क्रॉल बटन तो है ही जो आपको दिख रहा है, लेकिन साथ के साथ एक और नया बटन है, जैसे DPI बटन। DPI क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा, और भी फीचर्स के आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। ये हो गया लैपटॉप से कनेक्ट USB, और इसको मैं अभी ऑन कर देता हूँ। ये यहाँ पे ये बटन है, ये लिखा हुआ है ऑन एंड ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन एंड ऑफ। यहाँ से हम लोग ऑन कर देते हैं इसको, ठीक है। देखो ये रेड लाइट यहाँ पर ब्लिंक करने लग जाएगी, जल जाएगी यहाँ पर रेड लाइट, तो आप समझ जाना ये ऑन हो गया, ठीक है। रखना है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ है ये, ठीक है, अच्छा खासा चल रहा है। कुछ भी आपको क्लिक करना हो यहाँ पर आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके मैं अच्छे खासे फीचर की बात कर ले रहा हूँ जो हमें देता है। पहली बात, ये प्रोटोनिक्स ब्रांड का है, TOR 23 इसका नाम है, और यहाँ पे दिया है 2.4 GHz वायरलेस माउस है, वायरलेस ऑप्टिकल माउस। तो 2.4 GHz मतलब ये काफ़ी दूर तक चल सकता है। जब इसमें लिखा है कि 2.4 GHz है, मतलब इसकी कनेक्टिविटी की बात कर रहा है कि कितनी दूर तक कनेक्ट है। देखिए अभी ये लैपटॉप मैंने दूर रखा हुआ है, और ये रहा मेरा माउस, और ये अभी भी चल रहा है, दिख नहीं रहा होगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा कर्सर, तो इतनी दूर से भी चल सकता है, अच्छा खासा चल रहा है। देखिए दूसरा जो यहाँ पे लिखा है वो है क्लिक लाइफ। इसकी क्लिक लाइफ 30 लाख है इसकी, मतलब 30 लाख बार आप क्लिक कर सकते हैं, इतना ज़्यादा क्लिक लाइफ है। USB तो है ये, साथ में USB आपको दिया ही है, जो नैनो चिप है उसी की बात कर रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या फीचर है, एडजस्टेबल DPI है, मतलब आप DPI को चेंज भी कर सकते हैं इस बटन को क्लिक करके, वो मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। ये है DPI बटन, जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं 800, 1000, 1200, 600, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं वैसे आप चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। DPI मतलब होता है माउस की सेंसिटिविटी कितनी है, डॉट्स पर इंच, मतलब कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स एक कर्सर मूव करेगा जब आप 1 इंच माउस को मूव करेंगे। ये बेसिकली माउस की सेंसिटिविटी के बारे में ही है, माउस कितना सेंसिटिव है। जितना ज़्यादा DPI हाई होगा, उतना ज़्यादा माउस सेंसिटिव होगा। चलिए आगे, ये 1 साल की वारंटी पर आता है, तो 1 साल पर वारंटी है। अमेज़न पर 7 डेज रिप्लेसमेंट भी पॉलिसी भी है, और इसका ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, 599 रुपीज़ लिखा हुआ, ठीक है ना, 599 रुपीज़ लिखा हुआ है। ये ब्लैक कलर में मैंने मंगाया, इसके 2 कलर और आते हैं, वाइट और एक पिंक, तो आप फोटो में देख पा रहे होंगे, उनके प्राइस भी नीचे लिखे हुए हैं। अमेज़न पर ये 299 का है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब, ठीक है ना। बाकी आगे बढ़ भी सकता है, तो ये बेस्ट माउस है अंडर 500 रुपीज़ में कहना चाहूँगा। नॉर्मल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा सही है, ऐसा कुछ ख़राब नहीं, और ये मैंने 2-3 महीने यूज़ करने के बाद ही रिव्यू कर रहा हूँ। हम जल्दी तुरंत आता है तभी रिव्यू नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप ज़रूर एक बार चेकआउट करें, अगर आपको एक बढ़िया माउस चाहिए अपने लिए और बजट में चाहिए, तो बिल्कुल ये बेस्ट माउस है उसके अंदर, ठीक है। ये माउस को आप ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे तो हो सकता है कि नीचे वाला सरफेस थोड़ा सा कम सेंसिटिव हो जाए, इसलिए मैंने क्या किया, एक माउस पैड मंगा लिया, जिसका शॉर्ट्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने प्राइस भी बताया है कितने में ख़रीदा था, वो कहाँ से मिल रहा है, अमेज़ॉन से मिल रहा है, उसका शॉर्ट्स ज़रूर देख लेना। तो इसको ना माउस पैड पे रख के यूज़ करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा,
थोड़ा सा नीचे वाला सरफेस कम घिसेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं किसी प्रोडक्ट को रिव्यू करने के साथ। और हम लोग तुरंत रिव्यू नहीं कर देते हैं, 2-3 महीने यूज़ करने के बाद, अच्छे टाइम पीरियड के यूज़ करने के बाद ही किसी को हम लोग रिव्यू करते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत आया तो तुरंत ही रिव्यू कर दिया, ठीक है ना। वो अनबॉक्सिंग वीडियो रहती है वो।